गर्लफ्रेंड आप लोगों की है? कितने लोगों की है? है। कितने लोगों की नहीं है? कितने लोगों की नहीं है? हाँ ठीक, आप लोग भाई साहब अखंड रणुए हैं। देखिए रणुआ केवल यूपी में समझेंगे, उधर साले उधर चूतिए सब बताएंगे तो कहेंगे सिंगल हैं। और अखंड शब्द भी, जैसे गर्लफ्रेंड बना ली एक लड़के ने और जिन्होंने बनाई है वो कोरिलेट कर पाएंगे, तो खुद भले फुटपाथ पे ठेले पर समोसा खाया हो जीवन भर सबसे सस्ता वाला, लेकिन गर्लफ्रेंड बनने के बाद एक ट्रेजेडी होती है कि उसको बढ़िया रेस्टोरेंट में ले जाना है, और बाप पैसे पढ़ने के लिए उतने ही भेजता है जितने में बेटा किसी तरह तुम्हारा महीना पूरा हो जाए, क्योंकि तुम अफोर्ड नहीं कर सकते बीच में पैसा मांगना। बीच में पैसा मांगे तो बाप पूछता है कि अबे कितने दिन और पढ़ोगे, और ये कितने दिन वाला क्वेश्चन बड़ा डेंजरस होता है। ये बाप कम पूछता है, पड़ोसी और रिलेटिव ज़्यादा पूछते हैं, अरे आपका लड़का 8 साल से रह रहा है, कर क्या रहा है? और जब ये क्वेश्चन कोई बाप से पूछ ले तो बाप फिर कायदे से बेइज्जत कर देता है, लेकिन फिर भी किसी तरह बेचारा एडजस्ट करता है, खर्चों में कटौती करके गर्लफ्रेंड को लेकर गया और बढ़िया रेस्टोरेंट में ले गया, और वहाँ मीनू आया और गर्लफ्रेंड ने कुछ हाईटेक चीज़ें ऑर्डर कर दी। अब लड़के का बजट लगभग 500 का है और वो देख रहा है कि लड़की का ऑर्डर 1000 के आसपास चला गया है, तो लड़का धीरे से पूछता है, एक बात बताओ डार्लिंग। तो कहती है, नहीं नहीं पहले सुनो, ये ऑर्डर मैंने करे, तुम क्या लोगे ये बताओ। तो कहता है, नहीं नहीं मुझको तो भूख नहीं है, मैं तो अभी गया था ना वो दोस्त के कमरे पे, उसने बहुत ठूंस ठूंस के खिला दिया, एकदम नहीं भूख है, और उसकी तो फटी पड़ी है, एकदम भूख नहीं डार्लिंग, तुम कर लो तुम कर लो। तो कर लिया, तो लड़की नाम पढ़ रही है और लड़का उसके साइड में दाहिनी ओर, लड़की लेफ्ट से पढ़ती है, लड़का राइट से पढ़ता है, जिधर पैसा लिखा होता है वो उसको देख रहा है। अच्छा पार हो गया, बाकी का क्या होगा, बर्तन तो नहीं धुलवाएगी आज यहाँ। तो फिर धीरे से पूछ रहा है, एक बात बताओ कि तुम यही सब रेगुलर खाते हो, घर में भी यही सब खाते हो, इतने महंगी महंगी चीज़ें, ये पिज्ज़ा वगैरह और जो भी है। अब लड़की चालू समझ गई, कहीं नहीं नहीं घर में तो नहीं खाते, घर में तो सामान्य रोटी सब्जी दाल चावल सस्ती चीज़ें ही खाते हैं, तो फिर यहाँ ऐसी क्यों चीज़ें खा रही हो इतनी महंगी महंगी। कह रही, इसलिए खा रही हूँ कि घर में कोई खिलाने के बाद मेरी लेता नहीं है ना, तुम लोगे इसीलिए मैं तुम्हारा पहले ले रही हूँ, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। उसे पता है कि अब तुम क्या करने वाले हो, सी नो, उनकी साइकोलॉजी बड़ी अच्छी होती है गर्ल्स को, इसीलिए अगर कोई चीज़ तुम्हें लगता है कि तुम होशियारी कर रहे हो और गर्ल्स नहीं समझ रही हैं तो तुम मूर्ख हो, उन्हें पता है, वो जानती हैं कि तुम क्या क्या कर सकते हो, कहाँ तक जा सकते हो। एक्चुअली हर लड़के को ये भ्रम होता है कि वो लड़कियों की लेते हैं, जस्ट ऑपोजिट है, लड़की तुम्हारी लेती है बेटा, तुम लोग समझ नहीं पाते, बहुत बाद में समझ में आता है। अच्छा कई बार प्रॉब्लम होती है, लड़का सीधा साधा है, गांव से अगर पढ़ के गया है, लड़कियां चाहती हैं कि ये मांगे वो चीज़, लड़के नहीं मांगते, फिर ढीठ बनते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, दोस्त बताते हैं, अभी यार इतने दिन से उसको घुमा रहा, कुछ हुआ, कुछ आगे काम बढ़ा, नहीं यार हिम्मत नहीं हो रही, अभी यार ले जा यार, कह दे, बोल डाल बोल डाल बोल डाल। तो खूब जब दोस्त प्रेशर करते हैं तो वो एक पावर में आया, फिर एक दिन बढ़िया पार्क में बैठा है, मौसम अच्छा है, तो कह रहा है, डार्लिंग एक बात कहूँ? ए हाँ बोलो बोलो। आइसक्रीम आइसक्रीम खिला रहा है लड़की को, बढ़िया, डार्लिंग एक चीज़ मांगनी थी। अच्छा समझ तो रही है, लेकिन वो भी तो उनको यू नो बताया था, बड़ी इनोसेंट होती हैं, नेचुरली इनोसेंस उनके अंदर, अंदर से कमीनी होती हैं फुल, बाहर से इनोसेंस होती है, सब खेली खाई लड़कियां हैं। मैंने एक शेर लिखा था कि आप जिनके लिए पलकें बिछाए हुए हैं, आप जिनके लिए पलकें बिछाए हुए हैं वो पहले ही बहुत खेले खाए हुए हैं, और ऐसे मौसम में कसूर कुछ नहीं है आपका, देखिए आम तक बौराए हुए हैं। आप लोग जो प्यार में बौराते हैं, तो ये जो प्यार में बौराते हैं ये आप अकेले नहीं हैं, उन्हें सब पता है, दे आर फुल्ली एक्सपीरियंस्ड। और अब तो भैया गूगल आ गए हैं, मोबाइल आ गया है, जियो चाचा आ गए हैं, तो अब कौन बचा। लेकिन कह रही, अच्छा क्या मांगोगे, क्या चाहिए तुम्हें बताओ। तो अब लड़का फिर डर रहा है, संकोच कर रहा है, फिर कह रहा है, दोगी ना? तो कह रही, क्या? तो धीरे से बताया कि डार्लिंग बताऊं, मुझे बड़ी शर्म आ रही। शर्मा क्या रहे हो, बोलो, कब से पता नहीं इरिटेट कर रहे हो, क्या मांगना चाहते हो, मांगो ना। डार्लिंग
एक बार दे दो ना। क्या दे दूं डार्लिंग? तुम्हारे साथ ना वो सेक्स करना चाहता हूं, सेक्स। अच्छा अब बोल दिया, सन्नाटा। लड़की कुछ नहीं बोल रही है। अब लड़के की फट के हाथ में है कि पता नहीं अब होगा क्या, क्योंकि डरता था कहीं मांगने पे लड़कियां थप्पड़ उप्पड़ ना मार दें। थप्पड़ उप्पड़ नहीं पड़ा, काफ़ी देर हो गई, फिर हिम्मत जुटा रहे। डार्लिंग क्या सोच रही हो, नहीं दोगी? क्या कहें, कुछ तो बोलो, मैं घबरा रहा हूँ, कुछ बोलो ना, मतलब क्या क्या होगा? तो कह रही क्या बोलूँ, आज तुमने बहुत बड़ी चीज़ मांग ली।